So to begin the program formally, I would like to invite our esteemed guests to join us here. सबसे पहले मैं invite करूँगी श्री निर्मल वैद्य जी को हमारे बीच में स्टेज पर आने के लिए, साथ ही साथ डॉक्टर निर्मला दीदी जी जो स्पेशली ज्ञान सरोवर से आए हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे बीच में आने के लिए और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करने के लिए। हमारे बीच में बीके सुदेश बहन भी हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमें ज्वाइन करने के लिए। और कुछ ही देर में राजयोगी ब्रदर मृत्युंजय जी भी हमारे बीच में मौजूद होंगे। और साथ ही साथ मैं इनवाइट करूंगी अपनी सिस्टर्स को, बीके सिस्टर्स को, टू वेलकम आवर गेस्ट विद बुकेज। दीदी जी आ रहे हैं, दीदी का हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। और मैं अपनी बीके सिस्टर्स को रिक्वेस्ट करूंगी बुके के जरिए गेस्ट का अभिनंदन करने के लिए। हम भी तालियों से आप सभी का अभिनंदन करते हैं। Now I would like to invite Brother Anmol, who is a senior engineer in Daikin, to present his song, a special song that he's prepared for today, Ye Kaun Chitrakar. Hari Hari Vasundhara clap along with the beat. ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए कि वृक्ष देवदार है, गलीचे ये गुलाब के
बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, अपनी तो आँख एक है, अपनी तो आँख एक है, उसकी हजार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, Om Shanti. Thank you so much. Anmol ji is a regular student of Brahma Kumaris and he does meditation in the morning. Uske saath saath, he's associated with the Palam Vihar branch and he, along with being the engineer, he's a very good singer also. So, aapke liye zordaar taaliyan ek bari phir se. सो जैसे हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इनॉग्रल फंक्शन के लिए, जो आज का हमारा इवेंट है, नेशनल पेंटिंग कंटेस्ट कम वर्कशॉप ऑन साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड एनवायरनमेंट. आप यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन के मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स के ग्लोबल ऑडिटोरियम में बैठे हैं. जैसा आप पहले भी सुन रहे थे, अलग अलग स्टेट से काफ़ी अलग अलग लोग आए हैं. सो एक बारी अपने लिए भी तालियाँ बजा लीजिए, बिकॉज वी ऑल हैव कलेक्टेड हेयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और आपके लिए और हमारे गेस्ट के लिए सिर्फ यही हम कहना चाहेंगे कि मंगल है ये आज की बेला, मंगल है ये आज की बेला, शुभ है ये आगमन आपका, स्वागत पुष्प स्वीकार करें आज, स्वागत पुष्प स्वीकार करें आज, कारज को शुभ आशीष दें, धन भाग तो आप पधारे, धन्य भाग जो आप पधारे, धन्य हुआ ये तन और मन. ओम शांति. वेलकम एंड वेलकम. नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री निर्मल वैद जी टू गिव हिज वेलकम एड्रेस. बहुत से लोग उनको जानते भी होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो शायद नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि आप प्रेसिडेंट हैं परिधि आर्ट ग्रुप के, न्यू दिल्ली से आए हैं. उसके साथ साथ यू आर आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फोक एंड ट्राइबल आर्ट परिषद एंड नमो गंगे ट्रस्ट. सो आपको हम इनवाइट करते हैं वेलकम एड्रेस के लिए. आदरणीय राजयोगिनी दीदी निर्मला जी, बहन सुदेश जी, यहाँ ब्रह्म कुमारी की बहनें और भाई और पूरे देश से पधारे कलाकार, करीब 22 राज्यों से आए हुए आप सभी कलाकारों का हार्दिक स्वागत है एक पावन भूमि पर. और जैसा पहले भी थोड़ी देर पहले आपसे मैंने बातचीत की थी, हम सब कलाकार प्रभु का एक विशेष आशीर्वाद लेकर पैदा होते हैं,
आम जन से अधिक भाग्यशाली होते हैं कि जो कला के रूप में एक ज्ञान उन्हें मिला है वो केवल प्रभु की विशेष कृपा से ही मिल सकता है। इस कला को हम पैसे से नहीं खरीद सकते। कोई पैसे वाला चाहे अरबों रुपए खर्च करके अपने बेटे को बेटी को पेंटर नहीं बना सकता, गायक नहीं बना सकता। जब तक प्रभु का आशीर्वाद नहीं होगा हम उस कला में माहिर नहीं हो सकते। हम केवल उसको प्रतिदिन काम करके उसमें अधिक योग्यवान बन सकते हैं, अपनी उस कला को निखार सकते हैं, लेकिन अपने अंदर वो कला पैदा नहीं कर सकते हम किसी भी कीमत पर। तो एक विशेष प्रयोजन के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। 3 दिन की हमारी वर्कशॉप कम कंपटीशन होगा। कंपटीशन सब युवा जो कलाकार आए हैं उनका है। हमारे सीनियर पेंटर जो भी काम करेंगे वो आप सबके लिए एक टीचिंग लेसन की तरह से होगा, क्योंकि जो हम प्रोसेस देखते हैं एक पेंटिंग के बनने का, एक खाली कैनवास से कैसे धीरे धीरे उसमें रंग भर के अंतिम स्ट्रोक जब लगता है, तो हम सब तो पेंटिंग जब देखते हैं तो अंतिम स्ट्रोक लग चुका होता है तब देखते हैं, उसका प्रोसेस नहीं देख पाते। वो देखना अपने आप में एक पूरा किसी का 25 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष का जो एक्सपीरियंस है, हम उस एक्सपीरियंस को साझा करते हैं। वर्कशॉप में आने का ये प्रयोजन होता है। युवा जो हमारे बहनें और भाई कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं उनकी शुरुआत हुई है, और आप सबका सौभाग्य है कि आप ऐसे सीनियर कलाकारों के साथ हैं जो आपकी आयु है उससे 3 गुना से अधिक आयु के लोग भी हैं यहाँ, यानी उनके पास कितना अनुभव होगा। उस अनुभव को आज हम साझा करेंगे। इन 3 दिन में आप ये समझिए आप 30 वर्ष का अनुभव लेकर जाएंगे, लेकिन ये जिज्ञासा आपके अंदर जानने की होनी चाहिए, सीखने की होनी चाहिए। मेरा सबसे निवेदन है कि यहाँ हम मोबाइल का प्रयोग केवल जो चित्र खींचने में करें, इसके अलावा कोई बातचीत ना करें, कोई व्हाट्सएप पे चैट ना करें, क्योंकि वो समय जब उसमें लगाएंगे हम उस समय में जो हमने काम करना है वो नहीं कर पाएंगे। कुछ चीज़ों का ये केवल ध्यान रखिए। समय से आज पहला दिन था, कुछ व्यवस्था भी ऐसी थी कि कल सबको 9 बजे यहाँ पहुँच जाना है। सुबह नाश्ता 8 बजे करने के बाद पूरी बसेस की व्यवस्था है, वहाँ से यहाँ आकर हम अगले 3 दिन एक ऐसा वातावरण यहाँ पैदा करें, एक ऐसी अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ से लें भी और एक और पॉजिटिविटी कला के माध्यम से देखे जाए कि बरसों तक हम सबको याद रखा जाए। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। हमें हमारे बीच में दादी हैं, बहन जी हैं, तो उनकी बातें सुनेंगे और शिव दादा के आशीर्वाद से हम यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएंगे। हमारे जीवन में एक परिवर्तन हो, सबके एक पॉजिटिव परिवर्तन हो, हम सदैव खुश रहें, बस यही मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू सो मच। आपका हम जोरदार तालियों से थैंक्स करते हैं एक बारी फिर से प्लीज। हमारे बीच में सीनियर राजयोगिनी दीदी डॉक्टर निर्मला दीदी जी भी आए हैं। डॉक्टर निर्मला जी इज़ द डायरेक्टर ऑफ ज्ञान सरोवर अकेडमी ऑफ बेटर वर्ल्ड एंड शी इज़ ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा सेंटर्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन। Her special area of interest is in the field of self-transformation, personal development, and how the human being's mental process can be enhanced through accurate method of meditation. She's a doctor and a yogi, and Dr. Nirmala Didi combines the practical qualities of
doctor with mystique understanding of Raj Yoga. She's been practicing Raj Yoga for almost 55 years now. And she first came across it in 1962 in Mumbai. When she started Raj Yoga, she continued her medical practice there for another 10 years. Iske saath saath, she also started running BK centers from 1966 onwards. और आप बहुत ही convinced रही हैं कि benefits of meditation को medication से जोड़ा जा सकता है, जिससे कि patients और आम जनता को भी बहुत बहुत help मिली दी जा सकती है. So you've done the practical examples of it, you've seen the difference in people. And in your journey, spiritual journey, आप 1971 में she left India to live in London, then she traveled through United Kingdom, East Africa, Mauritius, and she went to Sydney, Australia. She started living in Sydney in 1978. आप काफ़ी समय ऑस्ट्रेलिया में रही हैं and she's done yearly lecture tours in association with Raj Yoga centers in over 60 countries that have taken her to every corner of the world. As the administrative head of Brahma Kumari's activities in Asia Pacific region, her role spans across 15 countries, 72 centers, 56 sub-centers and 4 retreat centers in Australia, Bangladesh, Cambodia, China, Fiji, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Mongolia, New Zealand and Philippines. She's also been awarded with many awards and she has been called to speak at many occasions across the world, and it's an honor to have her here. And I would just request you to please keep your phones on silent and just listen to her, because she's taken time to be here especially, so why not make the best use of the time. Dr. Nirmala Didi ji. Om Shanti. Welcome to this Manmohini Auditorium and Brahma Kumaris. आप में से कौन पहली बारी Brahma Kumaris संस्था में या स्पेशली माउंट आबू में आए हैं, जरा हाथ उठाना. थैंक्स. तो मेजोरिटी आप यहाँ पहली बार आए हैं. हो सकता है कि आप अपने शहरों में भी सेंटर्स पर ना गए हो. तो मैं संक्षिप्त में आपको Brahma Kumaris का परिचय देंगी कि Brahma Kumaris संस्था 1937 में सिंध में शुरू हुई और हैदराबाद कराची में सेवा उन्होंने की, और 400 भाई बहनें उस समय उस संस्था में थे. लक्ष्य यही है Brahma Kumaris का कि हम अपना जीवन परिवर्तित करें, सुख शांति सब चाहते हैं, परंतु सुख शांति का जो मूल कारण ये है कि हम जितना अपने जीवन को निर्विकारी बनाएंगे तो सुख शांति ऑटोमेटिक मिलेंगे. आज किसी के पास कितना भी धन हो, यदि लोभ होगा तो वो सुखी रहेगा. शांति तो चाहते हैं पर गुस्सा आ जाता है तो शांति मिलेंगी. तो जीवन को ऐसा पवित्र शुद्ध बनाने के लिए या जीवन में दैवी गुण धारण करने के लिए ये शिक्षा दी जाती है. तो जितना जितना ईश्वरीय ज्ञान और योग का हम अभ्यास करते जाते हैं, उतना हमारा जीवन
श्रेष्ठ बनता जाता है। तो आपके सामने यहाँ जो मूर्तियाँ हैं देवी देवताओं की, तो विद्यालय के जो स्टूडेंट हैं, लक्ष्य है हमको नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। तो इस लक्ष्य से हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, और ये पढ़ाई ऐसी है कि आजीवन हम पढ़ते हैं। आज हमारी दादी जो नियरली 133 साल की है वो भी पढ़ रही है, और मैं भी 56 ईयर से पढ़ रही हूँ, अभी भी हमारी पढ़ाई चालू है। जब तक हम परिपूर्ण न बने, दैवी गुण संपूर्ण धारण न करें, तब तक हम पढ़ते रहते हैं। तो 1950 में पार्टीशन के बाद ब्रह्मा कुमारी संस्था माउंट आबू में आई, 47 में पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उस समय संस्था वहीं थी, परंतु कुछ समय तक उन्होंने वहीं कार्य चलाया, परंतु जो भी संस्था के मेंबर्स थे उनके परिवार वाले सब इंडिया शिफ्ट हो गए थे, तो वो सब बुलाते रहे कि अभी आप इंडिया में शिफ्ट हो जाओ, पाकिस्तान में सेफ नहीं है। तो 50 में यहाँ आए और 50 से यहाँ शुरू किया। तो ऊपर में आप यदि टाइम मिलेगा तो जाएंगे, तो पांडव भवन शुरू से है, वो मुख्य शुरू हुआ, फिर ज्ञान सरोवर और एकेडमी ऑफ बेटर वर्ल्ड जहाँ मैं रहती हूँ वो 1995 से शुरू हुआ, बाद में शांतिवन में ये जो बना है और ये मनमोहिनी वन बना। तो इस विद्यालय की ऑल ओवर वर्ल्ड 130 के ऊपर कंट्रीज में शाखाएँ हैं, और हर बैकग्राउंड के, हर आयु के व्यक्ति इसमें पढ़ाई पढ़ते हैं। एक ही क्लास में आप देखेंगे बच्चे भी है, जवान भी है, बूढ़े भी है, सब इसी में अभ्यास करते हैं। और हमारे डायमंड हॉल, बड़ा हॉल आप देखेंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल है, ऊपर भी जो हॉल है वहाँ सिमल्टेनियस ट्रांसलेशन की फैसिलिटी है, क्योंकि 14 लैंग्वेज भारत में भी कई हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं, तो तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि आदि भाषाएं हैं, और विदेश की भी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, जापनीज, चाइनीज, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। तो जो जनरल क्लास हमारे होते हैं, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, उसका ट्रांसलेशन मिलता है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय हर प्रकार की सेवा करती है, जैसे ये कॉन्फ्रेंस साइंस, स्पिरिचुअलिटी और एनवायरनमेंट, क्योंकि साइंस भी जीवन में बहुत उपयोगी है, कई साधन हमको कंफर्ट के, ट्रांसपोर्ट के, कम्युनिकेशन के साइंस द्वारा मिले हैं। स्पिरिचुअलिटी हमको जीवन कैसे श्रेष्ठ बिताना वो सिखाती है, और एनवायरनमेंट को भी हमें
शुद्ध रखना है, जो पोल्यूशन है उसको मिटाना है। उसमें भी सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्या है, हमारे मन के अशुद्ध विचार, उन्हों को दूर करना है। तो ये सेवा चलती रहती है। तो मुख्य ध्येय तो आध्यात्मिक विद्या है, क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते। तो अपने आप को जानना है, भगवान को याद करते हैं परंतु जानते नहीं। वैसे कहते हैं भगवान एक है परंतु अनेक देवी देवताएं, स्पेशली हम भारतवासियों के लिए इतने देवी देवताएं सामने हैं कि कभी कभी एक घर में भी कोई राम को मानेगा, कोई कृष्ण को मानेगा, कोई हनुमान को मानेगा। तो इसलिए भगवान कौन है उसको जानना है, उसको याद करना है, उससे शक्ति लेकर अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है। और जब हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा, हमारे अंदर दैवी गुण आ जाएंगे, तो नेचुरली दुनिया स्वर्ग बन जाएंगी, क्योंकि स्वर्ग में देवी देवताएं रहते हैं। वो स्वर्ग कोई ऊपर आकाश में नहीं है, यहाँ ही था। जबकि श्री सीताराम लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो वो फिर से भारत में आएगा। और उसके लिए हमें अपना जीवन ऐसा दैवी बनाना है। तो आप यहाँ आए हो, ये बहुत खुशी की बात है। और मैं तो समझती हूँ कोई भाग्यशाली ही यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि कई हमको यहाँ मिलते हैं, कहते हैं मैं बहुत सालों से आना सोचता था कि जाना है, अभी मौका मिला। तो क्या है कि कई बार हम सोचते तो है परंतु करने में टाइम लग जाता है। तो आप आए हैं, आपकी कला आप प्रकट करेंगे, नई बातें सीखेंगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की कला भी सीखेंगे। तो एक नई कला सीख के जाएंगे, ईश्वरीय ज्ञान और योग की, जो आपका जीवन श्रेष्ठ बनाएगा। क्योंकि आज कितनी भी एकेडमिक नॉलेज हो, कितनी भी आर्ट हो, परंतु जीवन जीने की, जीवन में हमेशा खुशहाल रहने की आर्ट बहुत थोड़ों के पास है। समस्या आती रहती है और आएंगी और बढ़ती जाएंगी, स्ट्रेस, टेंशन, फाइनेंशियल ट्रबल, रिलेशनशिप ट्रबल, ये सब होते जाते हैं। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी कैसे हम सुख शांति में रहें, ये कला आप यहाँ से सीख के जाएंगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, आपने बहुत ही खूबसूरती से समराइज़ किया कि ब्रह्मा कुमारी इसका ओरिजिन क्या रहा है। और जैसा आप देख रहे हैं हमारे बीच में हमारे आदरणीय ब्रदर मृत्युंजय भाई जी भी आ गए हैं, और इनवाइट करूंगी मधुरवाणी ग्रुप को वेलकम सॉन्ग प्रस्तुत करने के लिए। मधुरवाणी ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रदर्स, सतीश भाई, भानु भाई और जयराज भाई जी, आपका हम तालियों से स्वागत करते हैं।
ओम शांति, सभी कहें ओम शांति। प्रभु परम कलाकार के घर में कलाकार आए और इस शांति वन के मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ आप सब अपना स्वागत स्वीकार कर लें। वैश्विक शिखर सम्मेलन में रंग हजार लाए हैं, सबसे बड़े कलाकार के घर कलाकार आए हैं। अरावली की वादियों में बन बहार छाए हैं, मनमोहिनी वन का स्वागत स्वीकार पाए हैं, सत्कार पाए हैं, स्वागत सत्कार पाए हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन में रंग हजार लाए हैं, सबसे बड़े कलाकार के घर कलाकार आए हैं। अरावली की वादियों में बन बहार छाए हैं, मनमोहिनी वन का स्वागत सत्कार पाए हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन में विज्ञान के अंदर पर्यावरण का रूप सजेगा, बनेगा जग सुंदर। पर्यावरण का रूप सजेगा, बनेगा जग सुंदर, बनेगा जग सुंदर। आंखों में चित्र विचित्र लिए चित्र विचित्र लिए चित्रकार आए हैं, सबसे बड़े कलाकार के घर कलाकार आए हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन में हो आप तालियों के साथ अपना स्वागत करते जाएं। चले केंद्र की ओर आए, परिधि से आगे चलकर चले केंद्र की ओर। जीवन वृत्त सजाने को आध्यात्मिकता की ओर, जीवन वृत्त सजाने को आध्यात्मिकता की ओर, आध्यात्मिकता की ओर। राजयोग के रंग में सारे हो, राजयोग के रंग में सारे रंग समाए हैं, सबसे बड़े कलाकार के घर कलाकार आए हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन में हो आ
तस्वीर में मूल्यों का रंग भर दे, आज की तस्वीर में मूल्यों का रंग भर दे, प्रेम एकता पवित्रता के पथ पर संग चल दे, प्रेम एकता पवित्रता के पथ पर संग चल दे, पथ पर संग चल दे, आनंद भरे अभिनंदन में, ओ आनंद भरे अभिनंदन में प्रभु प्यार लुटाए हैं, सबसे बड़े कलाकार के घर कलाकार आए हैं, वैश्विक शिखर सम्मेलन में रंग हजार लाए हैं, सबसे बड़े कलाकार के घर कलाकार आए हैं, अरावली के वादियों में बन बहार आए हैं, मनमोहिनी वन का स्वागत सत्कार पाए हैं, मन मोहिनी वन का स्वागत सत्कार पाए हैं, वैश्विक शिखर सम्मेलन में, ओ बहुत 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 शुक्रिया आपका, आपका फिर से हम जोरदार तालियों से थैंक्स करते हैं कि आपने आज हमारी इस महफिल में चार चांद लगा दिए और एक नया जोश, कुछ तो हम तालियों से भी दिखाएं ऐसा जोश जो आपने हम में भर दिया। और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे मंच पर बैठे हुए गेस्ट को और आप सभी को, हम कैंडल लाइटिंग करेंगे अभी, सो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट द जजेस टू ज्वाइन अस। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, वैर कभी ना रखना, जग के ओ माटी के खिलौने वैर कभी ना रखना, अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना, अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में so much, thank you. And now I would like to invite Rajyogi brother Mrityunjay ji. Rajyogi Brahma Kumar Mrityunjay ji pichle 45 varshon se is yagya ke vibhinn kshetron mein adhik athak seva kar rahe hain. Aap Brahma Kumaris ke karyakari sachiv hain, shiksha prabhag ke upadhyaksh hain aur UNESCO tatha UNICEF ke sanrakshan mein living values एन एजुकेशन प्रोग्राम के राष्ट्रीय संयोजक के साथ साथ द ऑलमाइटी ट्रुथ फिल्म के निर्देशक भी हैं। आपने विभिन्न स्पिरिचुअल विषयों पर भारत तथा 50 से भी अधिक देशों में भाषण के साथ साथ टीवी एवं रेडियो इंटरव्यू भी दिए हैं।
इनमें यूएसए, इंग्लैंड, मैक्सिको, थाईलैंड, हांगकांग, जापान, वेस्ट इंडीज, हॉलैंड आदि प्रमुख हैं। आपके व्यक्तित्व में सेवा भाव तथा उल्लास भावना कूट कूट के भरी हुई है। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी को बहुत बार भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें कि प्रमुख है मुरारजी देसाई इंटरनेशनल अवार्ड फॉर पीस एजुकेशन इन 2003, डायनमिक इंडियन ऑफ द डिकेड अवार्ड इन 2009 एंड पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आपको हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2013 से भी सुशोभित किया गया है। सो ये हमारा सौभाग्य है कि आप आज हमारे बीच में यहाँ पर हैं। सो आपसे भाई साहब हम रिक्वेस्ट करेंगे आज के इस शुभ अवसर पर अपने कुछ विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए, और आपका हम जोरदार तालियों से भी स्वागत करते हैं। ओम शांति। आप सभी बोलिए तीन बार, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम कला विद कलाकार, सबको कला में दिव्यता को भरपूर करने वाले परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता को आवाहन करते हुए उनकी साकार माध्यम अव्यक्त फरिश्ता प्रजापिता ब्रह्म बाबा को भी आह्वान करते हुए, क्योंकि हम सभी उपस्थित भाई बहनों को उनकी ब्लेसिंग व आशीर्वाद व प्रेरणा व इंस्पिरेशन हमको मिलते रहेंगे, और इस मंचासीन परम आदरणीय दादी निर्मला दीदी जी और हमारा सुदेश दीदी जी और इस कला संगठन के लिए आप सबको यहाँ का प्रेरणा दे करके यहाँ शांतिवन परिसर में ईश्वरीय परिवार में या अलौकिक संगठन में आप सबको बुलाने के लिए नियमित आदरणीय भ्राता निर्मल वैद्य जी प्रेसिडेंट परिधि आर्ट ग्रुप के, उससे पूर्व में मुझे मिलने का अवसर मिला था। उन्होंने बहुत ईश्वरीय सेवा में उमंग उत्साह दिखा करके आप सबको यहाँ तक ले आने के लिए, वो भी ऐसी एक मौके के समय एक ग्लोबल समिट कम एक्सपो जो हमारा संगठन कॉन्फ्रेंस होने वाला है दो दिन के बाद में, उस पूर्व में आप सबको इधर बुलाने के लिए निमित्त है। और साथ साथ में यहाँ उपस्थित श्री गुरु सेवक सिंह जी जी हमारे सम्मुख में बैठे हैं, उस पूर्व में भी आकर के मिले थे, और अतुल मेहरा जी जो अमृतसर से आए हुए हैं, और श्रीमती शैला शर्मा जी, शालू शर्मा जी अजमेर से आए हैं, आपको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मत श्री संतोष कुमार जी देहरादून से आए हैं, और हरभजन जॉली दिल्ली से आए हैं, और आप सभी कलाकार भारत के कोने कोने से आए हुए आप सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। चाहे चित्रकला हो, संगीत कला हो, नृत्य कला हो, साहित्य कला हो, कला मनुष्य को पुनर्जीवित कर देता है, जीव में जीव भर देता है, मना शक्ति भर देता है। और ऐसे चित्रकला भी ऐसे हैं मनुष्य के अंदर, चाहे इतिहास को पुनर्जीवित कर देते हैं, भले पुराना इतिहास हो, वर्तमान इतिहास को भी एक नया ऊर्जा दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं, और नया प्रेरणा दे देते हैं, और सदियों तक वो जीवित रखते हैं। एक तो पुराना इतिहास को भी दर्शा करके सदियों तक उसको आगे ले जाने के लिए भी माध्यम है, और साथ साथ में वर्तमान समय की जो परिस्थिति है, जो भी ये परिस्थिति है, उस परिस्थिति को आगे ले जाने के लिए भी बहुत बड़े पावरफुल माध्यम है। हम 100 शब्दों में, 1000 शब्दों में लिखते हैं, परंतु इतना पढ़ने की समय नहीं मिलता है और सोचने के लिए समय नहीं मिलता है, परंतु चित्र, एक चित्र 1000 शब्दों का उसमें समाया हुआ है, उसको प्रेरणा देते हैं निरंतर। ऐसी एक कलाकार आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के परिसर में आप आए हैं, और आप सबको मुझे आपको देख करके इतने खुशी हो रहा है, क्योंकि आप सभी इधर आए नहीं, बाबा ने आपको बुलाया ऐसा लगता है। इस बुलाने के लिए निमित्त हमारा उर्मिला बहन और सुदेश दीदी निमित्त बने, उन्होंने संकल्प रखा और भाई साहब से कांटेक्ट किया, और भाई साहब ने भी पहले मैंने भी संकोच था कैसे इतने लोगों को एकत्रित करके, इतने लोग कलाकार
चित्र बनाएंगे उसको रखेंगे कहाँ? पहले हमारा एक संकट था कि रखेंगे, बाद में हमने सोचा बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक एक चित्र कॉलम को, चित्र को एक एक सेंटर को भी गिफ्ट भी दे देंगे ना, हमारा सेंटर बहुत खुश हो जाएगा, आपका यादगार हो जाएगा, सारी भारत में आपका दर्शन हो जाएगा। केवल एक माउंट आबू तो ही है और साथ साथ में सारी भारत में आपका दर्शन हो जाएगा, ऐसा मैंने सोचा। इसके लिए आप सबको मैं इस समय में देख करके बहुत खुशी है, और साथ साथ में कला और इसके बारे में आप अधिक जानने वाले और रचना रचने वाले और साथ साथ में उसको जीवित देने वाले हैं, ऐसा जीवित देने वालों को ईश्वरीय शक्ति और 100 गुना 1000 गुना शक्ति दे, क्योंकि आपके चित्र के माध्यम द्वारा वर्तमान समय की जो विषय पर हम लोग रखा साइंस स्पिरिचुअलिटी एंड एनवायरमेंट मूल विषय है और साथ साथ में आध्यात्मिक तो ही है, और इस विषय पर आज के दिन में विज्ञान तो हजारों साल से विज्ञान का हम आह्वान करते आए, परंतु 100 साल के अंतराल में विज्ञान इतनी प्रगति दिया, इतने साधन दिया, इतने सुविधा दिया आज तो, और कुछ ही सेकेंड के अंदर अभी ने फोटो खींचा, अभी तो व्हाट्सएप में कहीं चले गए होंगे, बहुत जगह में चले गए होंगे, इतनी सुविधा दी है, परंतु उतना ही मनुष्य को थोड़ा परिस्थिति नया विपरीत परिस्थिति भी पैदा कर रहा है विज्ञान के माध्यम द्वारा। कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ वार्ता चल रहा था, पाकिस्तान का एक मंत्री जी ने कहा हमारा पास भी एटम बम है, माना धमकी देने का एक विधि भी बन गया, एटम बम शांति के लिए विधि बनने की बजाय धमकी देने के लिए, खतरा पैदा करने के लिए, ऐसे बहुत विषय है। विज्ञान भी बहुत साधन सुविधा दिया, परंतु आज के समय के हिसाब से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि होते जा रहा है, ऐसे समय पर ऐसे विज्ञान की साधन विनाश की तरफ भी ले जा सकता है, परंतु ऐसे बुद्धि को दिव्य बुद्धि, पवित्र बुद्धि, पावन बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, कल्याणकारी बुद्धि, शांति की बुद्धि बनाने की जो विधि है वो चित्रकला के हाथ में। साथ साथ में हमारा पर्यावरण सदियों से अब इस सुख दिया, हर व्यक्ति का हर सुविधा जो है, हवा पानी से लेकर के खान पान से लेकर के कपड़े से लेकर के घर से लेकर के जो भी है सुविधा तो प्रकृति ने दिया, परंतु आज प्रकृति के अब्यूज़ हो रहे हैं, मिसयूज़ हो रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और उसका परिणाम ही समाज में आपको देखने को मिल रहा है। ऐसी समय इसका संरक्षण कौन करेगा? सिर्फ भगवान ही संरक्षण नहीं करेगा, परंतु भगवान के बच्चे हम सब मिलकर के इसको संरक्षण करना होगा, उसको पुनरुत्थान करना होगा, उसका रीथिंकिंग करना पड़ेगा, उसका एक्शन प्लान बनाना होगा, उसके लिए मोटिवेट करना पड़ेगा, दूसरों को अंदर शक्ति भरना पड़ेगा। ये सभी काम जो हर व्यक्ति का काम है, परंतु विशेष करके हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाना मुश्किल है, और परंतु इसके लिए कोई ना कोई विधि बनना चाहिए, प्रेरणा देने के लिए विधि होना चाहिए, शिक्षा देने के लिए विधि होना चाहिए, कर्तव्य के बद्ध विधि होना चाहिए, इसके लिए एक एक्शन प्लान होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ा मैं अपना समझता हूँ आपका एक्शन जो है, आपका जो क्रिएशन है, आपका एक कला है, वो सबसे बड़ा जीवित करने के लिए, इसके लिए ऐसी जीवित करने वाले आप सबको मैं पुनः आप सबसे अनुरोध करता हूँ, सबको ताली बजा करके इसको अभिवादन करें, सम्मान करें, स्वागत करें, क्योंकि ऐसी कला जो जीवित करने की विधि है। साथ साथ में आध्यात्मिकता भी, हमारा भारत आध्यात्मिक देश है, सदियों से आध्यात्मिकता को प्रैक्टिस करते आए हैं, आचरण करते आए हैं, परंतु आज के समय में देखता हूँ आध्यात्मिक तो लुप्त होते जा रहा है, आध्यात्मिक केवल आडंबर हो गया, आध्यात्मिक पूजा पाठ में सीमित हो गया, आज आध्यात्मिक अंधश्रद्धा के सीमा में निपट गया। ऐसे समय पर इसको एक शिक्षा का रूप में देने के लिए जो कार्य है, स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर के जब जब इन्होंने पहले आश्वासन दिया था जब जब धर्म ग्लानि होता है, और उस समय में मैं खुद आकर के पुनरुत्थान करता हूँ। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का ये विश्वास है, स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर के एक शिक्षा के माध्यम द्वारा एक नया आंदोलन कर रहा है, नया क्रांति, नया विश्व का रचना रचने के लिए, नया मनुष्यात्मा का सोच को परिवर्तन करके जीवन को दैवी गुणों से भरपूर करके देवता समान बनाने की जो शिक्षा दे रहा है, उस शिक्षा का मूल केंद्र जो है इस समय में लगभग 147 कंट्रीज में सेवा केंद्र है, परंतु उसका मूल केंद्र है वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स ब्रह्म कुमारीज का ये माउंट आबू है। ऐसी स्थान पर आप सभी आए हैं, आप सभी मैं समझता हूँ कितने भाग्यशाली आत्मा है, आप फील करते हो आप सभी भाग्यशाली आत्मा है, कौन कौन फील करते हैं हाथ खड़ा करें,
वहाँ इन सब के लिए जोर से ताली बजाए, क्योंकि बाबा ने कहते हैं जो इस स्थान पर आना है इसका मतलब उनका तकदीर ऊंचा है और उनका पुण्य के खाता जमा हो गया, और भी खाता बढ़ाने के लिए विधि है, और साथ साथ में इस धरती पर आने से उनकी सोच में एक नया शक्ति मिल जाता है, उनके लेखन में एक नया शक्ति मिल जाता है, उनके हर संकल्प में सिद्धि करने के लिए विधि बन जाता है, बहुत उसकी प्राप्ति है। उसके लिस्ट अलग समय में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, परंतु आप सबको आपकी कला में माध्यम द्वारा आपका भी सिर्फ नहीं, रचयिता को भी दर्शाएंगे और रचना का भी दर्शाएंगे, और इस दर्शाने के कार्य क्षेत्र में आप सभी जुड़े हुए हैं, और इस ईश्वरी सेवा में आप इस समय में उपलब्ध आए हैं। आप सबको मैं अपनी तरफ से, हमारा दादियों की तरफ से, हमारा वरिष्ठ बहनों की तरफ से, समस्त ईश्वरी परिवार की तरफ से पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। नमस्ते, प्रणाम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई जी, आपका हम तालियों से थैंक्स करते हैं। आपने बहुत ही अच्छे थॉट्स हमारे साथ शेयर किए, और कुछ आपने अगर इफ़ यू वर एबल टू कैच फ्यू पॉइंटर्स, ही स्पोक वेरी ब्यूटीफुली अबाउट थॉट्स एंड हाउ कमिंग हियर मीन्स कि आपका पुण्य का खाता शायद थोड़ा सा भर गया है जो आप यहाँ पर आए हैं। खुशी है हमको कैसे करें बयां, इतनी खुशी है हमको कैसे करें बयां, झूम रहे धरा अंबर झूमे सारा अपना जहां, धन्य हुए हम सारे। वेलकम 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 हार्टी वेलकम वेलकम, स्वागतम शुभ स्वागतम दिल से आपका स्वागतम। हम पे लूटा रहे